गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरे कृष्णा इन अवर प्रीवियस क्लास वी वी डिस्कस आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर ए एन एंड द ए कब यूज होता है ए किसका फ्रेंड होता है कॉन्सोनेट का एन इज फ्रेंड ऑफ वॉवेल एंड वॉवेल्स आर ए ई आई ओ यू ओके नाउ क्वेश्चन राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स ये नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे इनके पहले ए आएगा या एन आएगा या आपको करेक्ट फॉर्म में फील करना है यहाँ पर ओके दिस इज अ पिक्चर ऑफ पियर एंड पियर स्टार्ट विथ पी अ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट फ्रेंड इज ए सो राइट ए हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ पैरट पेरट स्टार्ट विथ पी एंड पी इज अ कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट फ्रेंड इज ए सो राइट ए नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ आउल Okay, O is a vowel, and vowels friend is N. So write N vowel, N owl. Now this is a picture of pen. P is a consonant, and A is a friend of consonant. So write A here, a pen. This is a picture of teller. Teller starts with T. T is a consonant, and consonant friend is A. So write A here. This is a picture of आर्टिस्ट एंड एस एज अ वॉवेल सो वॉवेल्स फ्रेंड इज एन सो राइट एन आर्टिस्ट दिस इज डक इज अंट एंड कॉन्सोनेंट फ्रेंड इज ए सो राइट अंड इज अ पिक्चर ऑफ एन एक्स एक्स मतलब कुल्हाड़ी ठीक है एंड ए इज अ वॉवेल सो वॉवेल्स फ्रेंड इज एन सो राइट एन एक्स नाउ यूज ऑफ द ठीक है अब द का यूज कहा होता है बताती मैं आपको द इज यूज थिंग्सर का यूज कहा होता है जो चीज सिर्फ एक होती है उस तरह की उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है सच एज द अर्थ अर्थ क्या और भी है क्या एक अर्थ के अलावा नहीं है इसलिए हम अर्थ के पहले क्या लिखेंगे द अर्थ द ताजमहल ताजमहल इज ओनली वन इन दिस वर्ल्ड सो राइट द ताजमहल द मून द सन अब यहाँ पर मून और सन ये भी ओनली वन वन ही है टू मून्स या टू सन्स थ्री सन तो नहीं होते हैं ठीक है so, सो इसलिए इनके आगे भी हम द यूज करेंगे ओके नाउ प्रैक्टिस टाइम फाइव पॉइंट टू टेक राइट द करेक्ट यूज ऑफ द जहां पर द का करेक्ट यूज हुआ है उसके आगे आपको राइट टिक मार्क लगाना है ठीक है द पेन क्या पेन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है नो सो दिस इज रोंग द का यूज हम कहा करते हैं जहां उसके जैसा और कोई ना हो जो वर्ड दिया है ठीक है द स्काय अब स्काय पूरे हर जगह एक ही स्काय है ओनली वन स्काय सो यूज द तो द द मोबाइल मोबाइल फोन्स आर सो मेनी सो दिस इज रोंग सेकेंड द म मून मून इज ऑनली वन सो राइट द मून एंड द मून इज करेक्ट द कॉक देर आर सो मैनी कॉक्स सो धिस इज रोंग द बुक्स देर आर सो मैनी बुक्स धिस इज ऑल्सो रोंग सो करेक्ट वन इज द मून नाउ थर्ड इज द लॉयन क्या लॉयन सिर्फ शेर सिर्फ एक ही है क्या नहीं सो धिस इज रोंग द टेबल टेबल्स भी बहुत सारी है है ना धिस इज ऑल्सो रोंग द रेड फोर्ट रेड फोर्ट मतलब लाल किला ये सिर्फ अभी एक ही रेड फोर्ट है ठीक है सो द रेड फोर्ट इज करेक्ट नाउ बी कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग ए एन और द एज रिक्वायर आपको अब ए एन और द यूज करते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है ठीक है फर्स्ट डैश पेन अ पेन पी इज अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट का फ्रेंड ए होता है ठीक है अब यहाँ हमने द इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि पेन सिर्फ एक नहीं होता है पेन्स बहुत सारे हो सकते हैं है ना सो so इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज किया नाउ एफ इज कॉन्सोनेंट एंड फिशेज आर सो मैनी सो राइट अ मैन आर सो मैनी सो सन इज ऑनली वन सो राइट द एंड इज अ वॉवेल सो यूज एन एन इज अ फ्रेंड ऑफ वॉवेल The Uncle are, a Soldier and I, a Brother, the Mars, a Student. Now students fill this exercise in your English grammar book in neat and clean way. Thank you.